रुख करते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस का। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र राणा फॉर्म में आयोजित आभार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई लगभग 39 करोड़ की पेयजल योजना का शिलान्यास किया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे और मुख्यमंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी ऋषिकेश में दी गई योजनाओं का शिलान्यास करने पर आभार व्यक्त किया। ऋषिकेश के रायवाला, गुमानी वाला और खत्री सड़क माफ खड़क माफ ग्रामीण वासियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रभारी श्याम आजाजू आज देहरादून आएंगे, जहां देहरादून के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक पार्टी कार्यालय में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। बैठक में केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर चर्चा की जाएगी। बिना किसी राजनीतिक दल के सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलौर के एक स्कूल में निःशुल्क चिकित्सा कैंप का एक दिवसीय आयोजन किया, जिसमें कैंप में आए स्पेशलिस्ट फिजिशियन न्यूरोसर्जन के साथ पैथोलॉजी की भी सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई, जिनमें सभी जाने माने चिकित्सक मौजूद रहे, जिसमें तकरीबन 1000 गरीब मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। युवाओं की इस टीम में बड़ा उत्साह देखने को मिला। नैनीताल के भीमताल में नगर पंचायत द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। छात्र छात्राओं को सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा के बारे में अवेयर किया गया। उन्हें साफ सफाई पर ध्यान देने के साथ ही अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने की बात कही गई। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में स्कूल के छात्र छात्राओं सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। नगर पंचायत द्वारा भीमताल में इस तरह का आयोजन पहली बार किया गया। पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि भीमताल एक पर्यटक शहर है, जहां पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है और शहर को स्वच्छ रखना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। मुस्लिम समाज द्वारा मनाया जाने वाला मुहर्रम का त्यौहार को लेकर गदरपुर थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया। सभी की अमन चैन के लिए बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के सभी सम्मानित लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ताकि आगामी दिनों में होने वाले मुहर्रम त्यौहार को अमन और चैन के साथ मनाया जा सके। तहसीलदार जनार्दन प्रसाद गौर ने बताया कि बैठक में शहर के सभी हिंदू मुस्लिम धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही सभी धर्म के लोगों से अपील की गई आगामी दिनों में होने वाले मुहर्रम त्यौहार को अमन चैन के साथ मनाएं, ताकि मुस्लिम समाज का मुहर्रम त्यौहार प्रभावित न हो। जहां एक ओर प्रदेश सरकार पलायन को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, दावे कर रही है, दूसरी ओर पूर्व सरकार में चकबंदी सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष रहे गणेश गरीब ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों की जमीनों के लिए कोई ठोस नीति निर्धारित करनी होगी। पहाड़ी क्षेत्रों की भूमि के लिए भूमि सुधार नियम लागू किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को सुविधा पहुँचाई जा सके। दूसरी ओर प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि कोटद्वार, पौड़ी, श्रीनगर को पर्यटन स्थल के रूप में बदलने जा रहे हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पौड़ी जिले में पलायन रुकेगा। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए सेफ्टी बिल में भारी जुर्माने को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। उत्तराखंड ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस कानून को काला कानून बताकर सरकार से जल्द ही इसमें संशोधन करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो 16 सितंबर को पूरे उत्तराखंड में एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं सुनती तो इसके बाद पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार के द्वारा नया रोड सेफ्टी बिल लाया गया, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।